हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के बारे में। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 266.95 पे। बहुत अच्छी यहाँ पे तेजी आई है। क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे जो पेपर सेक्टर है उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, और आगे हमें कौन से टारगेट भी देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो जो है शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पीई रेशियो देखिए यहाँ पे 523.70 बहुत ज्यादा हाई है। सेक्टर पी से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो जो है 23.43 का। अगर हम यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पेपर के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, 2018 से लेकर 2021 तक टोटल रेवेन्यू में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। एबिटा घट गया है, उसके कंपैरिजन में नेट इनकम माइनस हो गया है -3.10, और उसी के साथ ईपीएस जो है 33.79 से घटकर हो गया है -0.47। रीजन कोविड पैंडेमिक, इन सारी चीज़ों के चलते हुए ऑफिस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, जितने भी यहाँ पे बाकी के कॉरपोरेट ऑफिस हैं वो भी बंद हो गए, और इनका जो पेपर का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट ठप हो गया था। लेकिन अभी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो अच्छी न्यूज़ है इन सारे सेक्टर के लिए, वो भी हम कवर करेंगे। पहले देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पे 56.47% की जीरो प्लेज है। म्यूचुअल फंड 7.71%, DII 0.72, FII 2.23 और रिटेल जो है 32.86% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, बुलिश एंगल फिर पैटर्न बना है। उसी के साथ यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है। लो डेप्ट कंपनी है, प्रॉफिट लास्ट दो क्वार्टर से बढ़े हैं, बुक वैल्यू लास्ट दो साल से बढ़ी है, जीरो प्रमोटर प्लेज है। FII और बाकी की जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाए हैं, और उसी के साथ जो प्राइस है उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वीकनेसेस की, यहाँ पे देखिए रेड फ्लैग है, जो कंपनी है यहाँ पे जितनी भी अर्निंग आती है उससे कई ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करती है, और उसी की वजह से यहाँ पे जो हमारा नेट इनकम है उसमें निगेटिव दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ROCE जो है वो लास्ट दो साल से डिक्लाइन हो रहा है, ROE और उसी के साथ ROA भी लास्ट दो साल से डिक्लाइन हो रहा है। 2020 के बाद जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे सब कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, तो लास्ट दो साल से इनकी कुछ खास कमाई नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की। तो देखिए मार्च का जो यहाँ पे ROE है -0.22 है, ROCE 2.01 और ROA जो है वो -0.09 है। पिछले साल के कंपेयर अगर हम करते हैं 2020 से बहुत अच्छा था, लेकिन कोविड के चलते हुए सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव हो गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक आर्टिकल की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मार्केट कैप है 1.7 बिलियन की जो है, और उसी के साथ प्राइवेट कंपनी ने बहुत ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो ओनरशिप है यहाँ पे इस कंपनी में, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है 11.3% की हिस्सेदारी है, इंडिविजुअल 14.2, जनरल पब्लिक 30% की हिस्सेदारी लेकर चल रही है, और यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं 43.8% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बहुत ही अच्छा भरोसा है इस कंपनी पे कि ये बहुत ही अच्छा अर्निंग्स इनको ला के दे सकती है। अब हम बात करते हैं बाकी के न्यूज़ की। तो देखिए जैसे कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, अब सब कुछ हो रहा है रीओपन। जितने भी यहाँ पे IT कंपनीज है, वर्क फ्रॉम होम होने वाला है बंद, और सब सारे इम्प्लॉयज़ जो है उनको जाना पड़ेगा और भी ऑफिस। अब ऑफिस अगर खुलेगा तो वहाँ पे उनकी जो स्टेशनरी है, पेपर्स है, प्रिंटआउट्स है, सब कुछ सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी, और इनका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। पॉजिटिव न्यूज़ है पेपर सेक्टर के लिए। उसी के साथ इन्होंने बताया टॉप IT कंपनीज इन्फोसिस, विप्रो, इन्होंने अभी एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में बुलाया है। चलो ये भी बढ़िया है। और सिर्फ IT कंपनीज नहीं, बाकी के कॉरपोरेट ऑफिस जैसे कोर्ट हैं और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह भी हैं, ये सब अभी 100% प्रेजेंस के साथ यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब देखिए ऑफिसेज भी ओपन हो गए, अब ओपन भी हो गए हैं यहाँ पे स्कूल्स। तो जितने भी यहाँ पे स्कूल्स में स्टेशनरी लगती है, बुक्स है, नोटबुक्स है, उनके लिए पेपर की ज़रूरत है, तो ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। यहाँ पे बाकी की जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी 16th of Feb से स्कूल्स LKG UKG से लेके सब कुछ ओपन हो गया है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। और इन सब न्यूज़ के चलते हुए यहाँ पे जितने भी पेपर सेक्टर है, पेपर कंपनीज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम के साथ बढ़त दिखाई दी गई है। जितने भी यहाँ पे दिग्गज शेयर्स हैं जैसे JK पेपर और बाकी के वेस्ट कोस्ट पेपर, रुचिरा पेपर, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की हमारे वेस्ट कोस्ट पेपर के। तो यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन किया है, तो देखिए वीकली चार्ट में अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है इसका ब्रेकडाउन हो गया था। जिस तरीके से यहाँ पे रशिया का वॉर का चल रहा है उस
ऑलरेडी मार्केट निगेटिव था रशिया यूक्रेन की वॉर के क्राइसिस के चलते हुए, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं, हमारा ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये उसने इंटैक्ट रखा। तो इस सपोर्ट ने भले ही हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ जो है ये ब्रेक कर दी, लेकिन यहाँ पे जो उसने बहुत अच्छा बेस बनाया है, यहाँ से उसने बहुत ही बढ़िया पुल बैक दिखाते हुए जो क्लोजिंग है अभी 266.95 पे की है। अब देखिए अभी भी हम लोग ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, क्योंकि अभी ये बन गई है रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके पहले ये सपोर्ट के काम कर रही थी, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक उसके नीचे फिसल गया है, तो अभी ये काम करेगी रेजिस्टेंस का। अब हम लोग रेजिस्टेंस के अभी भी नीचे हैं, तो इसके पहले स्टॉक को यहाँ पे जो है 280 के जो लेवल है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 280 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। स्टॉक जितनी बार ये 280 के लेवल के आसपास जाता है, वहाँ से गिरावट ही दिखा रहा है। बहुत बार इसने ट्राई किया है, लेकिन स्टॉक जो है ये हमारा 280 का लेवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो जो नए बायर्स हैं उन्होंने अभी क्या करना चाहिए, जब तक ये जो लेवल है 280 का ये क्रॉस नहीं होता है, तब तक वेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए न्यूज़ तो अभी पॉजिटिव है, हो सकता है यहाँ पे 280 का जो लेवल है ये अभी क्रॉस हो जाए, लेकिन बाकी की अभी जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, यहाँ पे आप बने रहिए, क्योंकि स्टॉक जो है ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है। अगर एक दो सेशन में यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है 280 के जो लेवल है, अगर ये क्रॉस करता है, तो इसमें आगे भी और भी अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। तो अगर यहाँ पे 280 के लेवल जो है ये टूट जाते हैं, तो बहुत जल्द इसमें 300 के लेवल और उसी के बाद 320 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 320 अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, तो उसके बाद 340 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितना हमने कवर किया है, न्यूज़ है, चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट और टारगेट जो हमने बताए, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहे होंगे। ऐसी बात है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, या फिर इससे अलावा आपके कुछ और व्यूज़ हैं जो मेरे व्यू से डिफर करते हैं, तो वो भी हमें बताइएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।